Hello everyone, welcome back to English Council. Guys, today we'll be learning cause or result indicator sentence part 1. Guys, as we all know, cause and result indicator sentence, we call them in Hindi कारण या परिणाम सूचक वाक्य. Guys, जैसा कि हम जानते हैं कारण या परिणाम सूचक वाक्य में होता क्या है, कोई किसी चीज का हमें कारण के बारे में पता चलता है यानी रिजल्ट के बारे में पता चलता है. तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम यूज करते हैं कॉज ऑफ और कॉज फॉर, यानी कारण के लिए यानी वजह के लिए. यानी हिंदी में हम या तो कारण बोलेंगे या वजह बोलेंगे, दोनों का सेम ही मीनिंग होता है. तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉज ऑफ. यानी कारण के लिए क्या यूज करते हैं, कॉज ऑफ. जब हमारे सेंटेंस में कॉज ऑफ का बोध होता है तो उसमें हमें कारण पता चलता है और कॉज फॉर से कार्य होने के औचित्य यानी जस्टिफिकेशन का हमें पता चलता है. तो आज की क्लास में हम दो तरह के सेंटेंसेस सीखेंगे. वो कौन कौन से सेंटेंसेस होंगे, एक तो फर्स्ट टाइप का सेंटेंस होगा, एक आदमी उस झगड़े का कारण था, एक औरत उस युद्ध की वजह थी, गलत दवा उसकी मृत्यु का कारण है. और दूसरे टाइप में सीखेंगे, अब चिंता का कोई कारण नहीं है. यानी एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा, एक नॉट में आएगा और एक विदाउट नॉट के आएगा. तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम देखेंगे, हम मोस्टली जो वर्ब यूज करते हैं टू बी की फॉर्म का हम यूज करते हैं. टू बी की फॉर्म क्या है, प्रेजेंट में होती है इज एम आर, पास्ट में वॉज या वर, और फ्यूचर में विल या शैल वी हम यूज करते हैं. देखिए पहले टाइप के जो सेंटेंसेस हैं उसे बनाने का क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला पैटर्न क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, वो देख लेते हैं. सबसे पहले हमारा आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब. वर्ब कौन सी होगी, टू बी की वर्ब मोस्टली हम यूज करेंगे. प्रेजेंट में तो प्रेजेंट में इज एम आर यूज करेंगे, पास्ट में तो वाज वर यूज करेंगे, और फ्यूचर में तो विल बी और शैल बी यूज करेंगे. उसके बाद द कॉज ऑफ, द कॉज ऑफ यानी कारण या वजह के लिए हम क्या यूज करेंगे, कॉज ऑफ. तभी इसी की वजह से इनको बोलते हैं हम कॉज या रिजल्ट इंडिकेटर सेंटेंस. उसके बाद प्लस नाउन. अब आ जाइए दूसरे टाइप में क्या होगा, देयर हमारे सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, प्लस वर्ब. ठीक है, वर्ब भी हमारी कौन सी रहेगी, टू बी की, और उसके बाद नो, फिर कॉज फॉर. देखिए यहां मैंने लगाया कॉज ऑफ, यहां लगाया कॉज फॉर, प्लस नाउन. कॉज फॉर किसके लिए, यानी क्या है, तलाक की कोई वजह नहीं थी या कोई वजह नहीं है, उसे पीटने का कोई कारण नहीं है, शिकायत करने की कोई वजह नहीं है. इस तरह के सेंटेंस में नहीं है के लिए हम नीचे वाला फॉर्मूला लगाएंगे और हमारा जो जो कारण बताएगा, जो वजह बताएगा किसी चीज की, जैसे गलत दवा उसकी बीमारी का कारण थी या उसकी मृत्यु का कारण थी, तो उसमें हम कॉज ऑफ का प्रयोग करेंगे. गाइस सेंटेंस से समझने की कोशिश करते हैं. पहला सेंटेंस क्या है, एक आदमी यानी अ मैन उस झगड़े का कारण था. उस झगड़े का यानी दैट क्वारल, वहां पे कोई झगड़ा हो रहा था तो उसका कारण क्या था, एक आदमी था. तो कैसे बनाएंगे, ए मैन, एक आदमी था, क्या वॉज, था के लिए क्या लगाएंगे, वॉज. ए मैन वॉज द कॉज ऑफ, ए मैन वॉज द कॉज ऑफ, उस झगड़े के लिए क्या लिखेंगे हम, दैट क्वेरल. दैट क्वेरल, क्वेरल मतलब डिस्प्यूट भी आप बोल सकते हैं, यानी झगड़े के लिए डिस्प्यूट भी बोलते हैं और क्वेरल भी बोलते हैं. यानी एक आदमी उस झगड़े का कारण था, अ मैन वॉज द कॉज ऑफ दैट क्वेरल, एक आदमी उस झगड़े का कारण था. अगला सेंटेंस है, एक औरत उस युद्ध की वजह थी या उस युद्ध का कारण थी. तो कैसे बनाएंगे, अ वुमेन वॉज द कॉज ऑफ, वॉज द कॉज ऑफ दैट वॉर, वॉर मतलब युद्ध, उस युद्ध की वजह थी. अ वुमेन वॉज द कॉज ऑफ दैट वॉर, यानी एक औरत उस युद्ध की वजह थी, तो उस युद्ध के लिए हमने क्या लगाया, दैट वॉर, जो भी युद्ध हो रहा था उस युद्ध की वजह थी. अगला सेंटेंस है, गलत दवा उसकी मृत्यु का कारण है. गलत दवा, अब देखिए यहां पे है आ गए तो इसे हम आज यूज करेंगे. गलत दवा उसकी मृत्यु का कारण है, तो गलत दवा के लिए क्या लिखेंगे, रॉन्ग मेडिसिन. क्या लिखेंगे, रॉन्ग मेडिसिन, मेडिसिन. ठीक है, रॉन्ग मेडिसिन वॉज द कॉज ऑफ, तो इज लगाएंगे, कारण है तो इज लगाएंगे. रॉन्ग मेडिसिन इज द कॉज ऑफ, रॉन्ग मेडिसिन इज द कॉज ऑफ क्या, उसकी मृत्यु, तो हिज डेथ, हिज डेथ. यानी रॉन्ग मेडिसिन इज द कॉज ऑफ हिज डेथ, गलत दवा उसकी मृत्यु का कारण है. यानी उसने गलत दवा खा ली तो वो मर गया है.
गरीबी दुख की वजह है, वजह मतलब गरीबी दुख का कारण है या गरीबी दुख की वजह है। गरीबी क्या होती है? पॉवर्टी। तो पॉवर्टी इज द कॉज ऑफ, पॉवर्टी इज द कॉज ऑफ सोरो। सोरो मतलब दुख। पॉवर्टी इज द कॉज ऑफ सोरो, यानी गरीबी दुख का कारण है। पॉवर्टी इज द कॉज ऑफ सोरो, गरीबी दुख का कारण है। धन चिंता का कारण है। धन, धन क्या होता है? वेल्थ। धन क्या होता है? वेल्थ। तो वेल्थ क्या है? वेल्थ क्या है? चिंता का कारण है। तो वेल्थ इज द कॉज ऑफ, चिंता को क्या बोलते हैं? वरी बोलते हैं या एंजाइटी बोलते हैं? एंजाइटी या वरी, यानी चिंता का कारण है। तो वेल्थ इज द कॉज ऑफ एंजाइटी या वरी, यानी धन चिंता का कारण है। अगला सेंटेंस लेते हैं, सेकेंड टाइप में बनाने की कोशिश करते हैं। तो सेकेंड टाइप का फॉर्मूला क्या है? देयर प्लस वर्ब प्लस नो, ठीक है, नो प्लस कॉज फॉर प्लस नाउन। अब चिंता का कोई कारण नहीं है, तो नहीं आ गया तो नो लगेगा डेफिनेटली। अब चिंता का कोई कारण नहीं है, तो देयर इज, कारण नहीं है, देयर इज नो, देयर इज नो कॉज फॉर। यहां पे हम क्या लगाएंगे? कॉज फॉर लगाएंगे। अभी तक हम क्या लगा रहे थे? द कॉज ऑफ लगा रहे थे, अब क्या लगाएंगे? कॉज फॉर, ठीक है, किसका? अब चिंता का कोई कारण नहीं है, देयर इज नो कॉज फॉर एंजाइटी, यानी मैंने लिखवाया था आपको अभी, एंजाइटी या वरी। देयर इज नो कॉज फॉर एंजाइटी नाउ, अब चिंता का कोई कारण नहीं है। अगला सेंटेंस है, तलाक की कोई वजह नहीं थी, तलाक की कोई वजह नहीं थी, तो देयर वॉज, नहीं थी के लिए देयर वॉज नो कॉज फॉर, देयर वॉज नो कॉज फॉर डाइवोर्स, डाइवोर्स, तलाक की कोई वजह नहीं थी, देयर वॉज नो कॉज फॉर डाइवोर्स, तलाक की कोई वजह नहीं थी। अगला सेंटेंस है, शिकायत की वजह नहीं है, यानी शिकायत की कोई वजह नहीं है, शिकायत की वजह नहीं है, तो देयर इज नो, क्या बनाएंगे? देयर इज नो कॉज फॉर, देयर इज नो कॉज फॉर कंप्लेंट, कंप्लेंट, यानी शिकायत की कोई वजह नहीं है। झगड़े का कोई कारण नहीं है, अगला सेंटेंस है, झगड़े का कोई कारण नहीं है, तो देयर इज नो कॉज फॉर, झगड़े के क्या बताई थी मैंने? क्वेरल या डिस्प्यूट लिख सकते हैं। देयर इज नो कॉज फॉर क्वेरल, क्वेरल या डिस्प्यूट, डिस्प्यूट भी क्या होता है? झगड़ा। तो देयर इज नो कॉज फॉर क्वेरल या डिस्प्यूट, झगड़े का कोई कारण नहीं है। गाइस यहां देखिए मैंने सेंटेंसेस बनाए हैं, एक सेंटेंस बनाया है, समझने की कोशिश करेंगे। जो हमारा पहला टाइप है ना, इस टाइप को हम इस तरह से भी बना सकते हैं, यानी कॉज ऑफ को पहले लेके आ जाएंगे हम, द कॉज ऑफ, ठीक है, इस वाले हिस्से को हम आगे लेके आ जाएंगे, ठीक है। द कॉज ऑफ दैट क्वेरल वॉज अ मैन, आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे द कॉज ऑफ दैट वॉर, उस युद्ध की वजह क्या थी? एक वुमेन थी। द कॉज ऑफ दैट वॉर वॉज ए वुमेन, ठीक है, यानी गलत दवा उसकी मृत्यु का कारण थी। तो ऐसे बना सकते हैं, द कॉज ऑफ हिज डेथ इज रॉन्ग मेडिसिन, यानी गलत दवा उसकी मृत्यु का कारण है, तो द कॉज ऑफ हिज डेथ इज रॉन्ग मेडिसिन, यानी पीछे वाले जो पोर्शन है, जो हिस्सा है, उसको हम आगे करके भी लिख सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने ये नोट में लिखा है, द कॉज ऑफ दैट क्वेरल, यानी द कॉज ऑफ दैट क्वेरल वॉज अ मैन, यानी एक आदमी उस झगड़े का कारण था। तो गाइस यही आज की हमारी क्लास में था, कॉज या रिजल्ट इंडिकेटर सेंटेंस। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।